गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। आपको ऑलरेडी पता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसका थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। पहला चैप्टर अल्कोहल फिनोल हैलोल के हैलोरीन, फिर हमने सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर करा। आप हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ और वो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बच्चों को मैंने कल ही बता दिया था कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आईयूपैक नेमिंग। आज बच्चों मैं आपको करवाऊंगा कि हम कीटोन्स और एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं अलग अलग मेथड से। सो टोटल आज मैं आपके साथ 5 मेथड्स डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे से समझना अपने 5 मेथड्स को। एंड डोंट वरी, लेक्चर के बाद मैं आपको पिक्स भी भेजूंगा, उस काम को अपनी कॉपी में आपने उतार लेना, अच्छे से प्रिपरेशन है। तो 5 मेथड आज हम करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए। पहला मेथड हम करेंगे ऑक्सीडेशन मेथड, सेकंड मेथड हम करेंगे डिहाइड्रोजनेशन मेथड, जो हम कई 2-3 दिन पहले कर चुके। थर्ड मेथड जो हम आपके साथ करेंगे एसिड क्लोराइड्स के रिएक्शंस करेंगे, जिससे हम देखेंगे कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। और फोर्थ मेथड मैं आपके साथ करूंगा, हाइड्रोकार्बन से हम लोग कीटोन्स और एल्डिहाइड्स बनाएंगे। और जो आज का लास्ट मेथड है वो आपको आता है, प्लस वन में भी हम कर चुके हैं, दैट इज द ओजोनोलिसिस। सो पहला मेथड मैं शुरू कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं आज हम? प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So, पहला मेथड मैं आपके साथ करने वाला हूं, नंबर 1 मेथड है जी ऑक्सीडेशन। सो जब भी ऑक्सीडेशन नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये K2Cr2O7 है, एक KMnO4 है। यहां पे जो हमने रिएजेंट लेना है K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सचर लेना है। प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे आप, आपके पास एल्डिहाइड आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे, आपके पास कीटोन। आइए देखें कैसे। सो ए पार्ट हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मूला है RCH2OH। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो K2Cr2O7 प्लस मैं लूंगा H2SO4 और ये क्या कर रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन। तो सिंपल, ये वाला जो ग्रुप है ये पूरे का पूरा ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, RCHO। सिमिलरली अगर हम यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो R लेते हैं CHOH और एक R लेते हैं। तो ये था हमारा अगर प्राइमरी अल्कोहल, बी पार्ट आ गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 डालना है ऑक्सीडेशन। जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे आप नोटिस करोगे फिर से यहां पे 2 हाइड्रोजन का रिमूवल और हमारे पास प्रोडक्ट में बेटा बन जाएगा कीटोन। सो अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कीटोन। प्लीज इस पहले मेथड को भूलना नहीं, ध्यान से समझ लो। इस मेथड में क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। आपके लिख देता हूं K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो कीटोन बनेगा। अब हमारा पहला मेथड हो गया, ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा आपको। बाकी डोंट वरी, मैं नोट्स भी आपको साथ में भेज रहा हूं, प्लीज लिख लेना। अब हम सेकंड मेथड कर रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन, आपको मैंने बहुत अच्छे से पहले करवाया हुआ है, आइए स्टडी करें।
सेकेंड मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन। और आपको याद होगा दो तीन दिन पहले मैंने आपको डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल कोल करवाया था, जिसमें हमारे पास प्राइमरी कोल यूज करते हैं तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी करते हैं तो कीटोन, टर्शियरी यूज करते हैं तो अल्कीन। तो वही मेथड है, सेकेंड मेथड है जी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में कुछ नहीं करना बच्चों, इसके अंदर से दो हाइड्रोजन निकालने होते हैं। सपोज मेरे पास है RCH2OH, यहां पे मैं कॉपर लूंगा, कॉपर और टेम्परेचर होगा 573 केल्विन का टेम्परेचर। आप सभी को इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन CH2 से रिमूव कर दो, तो प्रोडक्ट बना RCHO+H2। यानी अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया सो हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड। करवाया था मैंने आपको कुछ दिन पहले, करवाया था ये वाला मेथड। तो रिड्यूस कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन में दो हाइड्रोजन के एटम निकल जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड बन जाएगा। अब सेकंड मेथड हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हम डालते हैं कॉपर, 573 केल्विन का टेम्परेचर, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। जब आप ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव करोगे कीटोन बन गया। कीटोन बन गया और H2 निकल गया। सेकंड मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और RCHO आ गया आपके पास, एल्डिहाइड H2 बाहर, फिर हमारा एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, फिर हमारे पास कीटोन आ गया। सो दोनों मेथड क्लियर हो गए, आइए अब आगे चलें। पहला मेथड ऑक्सीडेशन कर लिया हमने प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की, प्राइमरी की अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की करोगे बनेगा हमारा कीटोन। डिहाइड्रोजिनेशन प्राइमरी अल्कोहल की करोगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की करोगे कीटोन। अब हम पहुंच गए थर्ड मेथड पे, थर्ड मेथड है जी एसिड क्लोराइड से, थर्ड मेथड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। सिंपल बेटा एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RC(OCl), ये है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड आ गया, इसको आपने H2 के साथ ट्रीट करना है और कंडीशन लेनी है PdBaSO4। अब आपके सामने यहां पे क्लोरीन और दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन में से आप एक HCl का मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, एक Cl निकल गया, H निकल गया, माइनस HCl कर देते हैं और ये हाइड्रोजन अगर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। फॉर्मूला लिख सकते हैं RC(OH) और RCH, तो क्या बन गया एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल ले लोगे एसिड क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल, तो हम लिख लेते हैं 2CH3C(CL), तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल क्लोराइड लिख लो, टू मॉलिक्यूल एसिटाइल क्लोराइड। कैसे जैसे आपको पता CH3C जो होता है उसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको आप ट्रीट कर दो जी CH3 ट्वाइस और CD से, ये है जी डाइमिथाइल कैडमियम। वेरी सिंपल, आपको पता है कि यहां पे हमारे पास कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन को दो कैडमियम के साथ हम बाहर निकाल देंगे, दो क्लोरीन को कैडमियम के साथ बाहर निकालोगे, CDCl निकल गया और ये दोनों मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर दो इन दोनों क्लोरीन के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल CH3COCl के लेने ट्रीट करेंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप यहां एड हो जाएंगे, CDCl2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास दो मॉलिक्यूल कीटोन्स के बनेंगे।
एसीटोन के दो मॉलिक्यूल बन गए और साथ में हमारा निकल गया जी सीडी सीएच2। तो ये हमारा मेथड है थर्ड मेथड है जी फ्रॉम एसिड क्लोराइड। आपके सामने RCOCl दिया हुआ है, H2 HCl बाहर आ गया, H यहां लग गया, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल के केस में, दैट इज एसिड क्लोराइड के केस में। और अगर हम दो मॉलिक्यूल ले लिए एसिड क्लोराइड के, उसमें CDCl2 बाहर निकाल देना है और दोनों CH3 यहां ऐड हो जाएंगे, कीटोन बन जाएगा। तो तीनों मेथड हो गए, पहला मेथड ऑक्सीडेशन, सेकंड मेथड डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड मेथड एसिड क्लोराइड। अब हम चौथे मेथड में जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज अ वेरी इजी मेथड, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आइए करके देख लेते हैं इसको। सो चौथा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे हम ले लेते हैं सपोज CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने क्या ले लिया, इथाइन। इथाइन में डाल दो बेटा वाटर और यहां पे, और इसको बैटरी लिख लेते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वो मेथड होता है जिसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। आपको पता है H2O के पास एक OH है और एक हाइड्रोजन, इधर चला जाएगा हमारा OH वाला पार्ट, इधर चला जाएगा H वाला पार्ट। लेना क्या कंडीशन, 20% H2SO4, 1% आप लोगों ने लेना है जी HDSO4, 60 डिग्री का टेम्परेचर लेना। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CHOH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इंटरमीडिएट आ गया। अब सिंपल यहां पे आएगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं करना होता बेटा, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे भेज देना। फिर से पहले टाइम में वाटर ऐड करना है, OH पार्ट एक के ऊपर भेज दो, हाइड्रोजन दूसरे पे भेज दो, कंडीशंस लगा रही है सारी। फिर ये हमारा बॉन्ड बन गया OH और H, यहां पे नीचे ऐड हो गया। अब इस रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन को इधर वापस भेज दो, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, तो बन गया आपका एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड जनरेट हो गया आपका। अब अगर आप बनाना चाहते हो कीटोन, तो कीटोन भी हम इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। अल्काइन लेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे जी, एक और एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर हम एडिशन कर देंगे दोबारा से वाटर का और 20% हम लोगों ने यहां पे डाला है H2SO4, 1% HDSO4, 60 डिग्री का टेम्परेचर, फिर से वाटर ऐड होगा। सो CH3 सी पे OH आ जाएगा हमारा, और यहां पे इसको हम अल्काइन लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, CH2 लेते हैं। OH आ गया और यहां पे आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हैं आप, इस अल्कीन में एडिशन करा हम लोगों ने H2O का, OH पार्ट यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आ चुका है। और अब आप नोटिस करोगे कि हमने करना है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहां पे मूव कर जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया हमारा कीटोन। फिर से रिवीजन, हम लोगों ने यहां पे क्या लिया है, अल्काइन लिया है, फिर से अल्काइन ही लेना पड़ेगा यहां पे, अल्काइन लिया, फिर उसके बाद H2O का OH ग्रुप यहां डाल दिया, हाइड्रोजन यहां डाल दिया,
ये वाला प्रोडक्ट आ गया OH और CH2, फिर इस हाइड्रोजन की रीअरेंजमेंट, ये हाइड्रोजन CH2 पे जाके CH3 बना लेगा, ये सिंगल बॉन्ड लेगा और कीटोन बन जाएगा आपके पास। सो हमारे पास कितने मेथड हो गए, पहला मेथड वो ऑक्सीडेशन से हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाया, सेकंड डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनाया, थर्ड एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाया, चौथा हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन बनाया। अगर आपने एल्डिहाइड बनाना है तो हमने इथाइन लिया, अगर हमने कीटोन बनाना तो हमने प्रोपाइन लिया। सबसे पहले OH और H ऐड हो जाएगा, फिर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद एल्डिहाइड और कीटोन आपके सामने आ गए। हम लास्ट मेथड पे जा रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से कर चुके हो, वो मेथड है जी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, आइए बना के देखें। चौथा और पांचवा मेथड, लास्ट मेथड आज का, फिफ्थ मेथड, दैट इज जी ओजोनोलिसिस। सपोज हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड भी बन जाए कीटोन भी बन जाए, तो एक लेते हैं ये, सो इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम बनेगा 1,2,3,2-methyl टू मिथाइल प्रोपेन प्रोपीन प्रॉप वन। अब हम ओजोनोलिसिस में इसमें O3 डालते हैं, आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है डबल बॉन्ड क्या क्रॉस ही हमेशा ओजोन ऐड होता है। ओजोन ऐड किया, CH3 इधर लग गया, CH3 इधर, ये हमारा ओजोनॉइड बन गया। अब आपको ऑलरेडी पता क्या करना है, जिंक डस्ट डालनी है, वाटर का मॉलिक्यूल डालना है, ये कट लगाया हम लोगों ने, और आपको पता है यहाँ पर माइनस H2O2 निकल जाएगा, नहीं तो जिंक ऑक्साइड भी निकल सकता, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन गया और एक कीटोन का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये तो बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल, और ये बन गया हमारा जी एसीटोन और प्रोपानोन। तो बच्चों आज मैंने आपको पांच मेथड करवाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने के, जिसमें हम लोगों ने कराया है जी ऑक्सीडेशन मेथड, डिहाइड्रोजनेशन मेथड, एसिड क्लोराइड से बनाया हमने, हाइड्रोकार्बन से बनाया, और पांचवा ओजोनोलिसिस। तो प्लीज इन मेथड को आज ही दो दो बार लिख के देखना, बिना देखे तभी आप इन्हें अच्छे से याद कर पाओगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।